हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन गाइस। तो फिर गाइस, अभी आज वापस से एक अनबॉक्सिंग होने वाली है और जैसे कि मैंने बताया था, एक न्यू मेंबर आने वाला है हमारे यूट्यूब फैमिली पे, जो कि साथ देने वाला है मेरा व्लॉगिंग करने के लिए। तो फिर वो है इस बॉक्स में। सो ये भी अमेजोन से, ये मैंने शायद से 2-4-5 दिन पहले से ऑर्डर किया था। भाई साहब बहुत कड़क है, मैंने इसे यूज़ किया, आज पूरे दिन मैंने इसे यूज़ किया क्योंकि मैंने इसे पहले से अनबॉक्सिंग कर लिया, तो फिर इसे शायद से अनबॉक्सिंग नहीं कह सकते, पर वापस वैसे के वैसे मैंने रख दिया है। सो बहुत मजा आने वाला है इस अनबॉक्सिंग को, और अभी खोलते ही इसे। सो गाइज, लेट्स डू द अनबॉक्सिंग। सो गाइज, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, ये बॉक्स। तो फिर गाइज, सबसे पहले क्वालिटी की बात करूँ, बिकॉज अमेजोन का कंप्लेंट बहुत आ रहा है, तो फिर मुझे भी डिसेंट क्वालिटी के साथ मिला है पैकिंग। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा प्रेशर इस पर पड़ा था, शायद से कुछ चीज़ रखी थी, कोई बात नहीं, उतना तो चलता है, पर बाकी सब कुछ ठीक है, फाइन है। तो यहाँ पे अमेजोन की ब्रांडिंग की हुई है ये बिल। सो अभी करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सो मैंने जैसे कि पहले, सॉरी, मैं आपको रिवील नहीं कर सकता इसमें क्या है। सो जी, दिल थाम के बैठिए। सो इन 3-2-1 गो। सो इतना ये करके काम करो, इतना देख कर ना पॉज करो वीडियो और कमेंट सेक्शन में बताओ, शायद से पता चली गया होगा। तो अभी करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। यस, तो फिर अभी तो पता चली गया होगा इसमें क्या है। सो गाइज, दिस इज माई न्यू ट्राईपॉड। सॉरी, एक मिनट। सो दिस इज द न्यू ट्राईपॉड विच आई हैव गॉट। गाइज, इसे पैकिंग में नहीं आया था, सिर्फ ये पॉलीथीन में रैप करके फुल्ली पैक था, बट क्या मालूम हूँ कैसे पैक करते इसे। तो फिर मैंने सिर्फ इसे ऐसा घुसा दिया था। तो फिर और बॉक्स कॉन्टेंट्स हैं, मैं बताता हूँ क्या क्या है। सो इसे साइड में रख देते हैं गाइज। तो फिर गाइज, यहाँ पे हमें मिल जाता है मोबाइल का यूनिवर्सल अडेप्टर। तो फिर गाइज, ये अच्छे क्वालिटी का है, और एक खास बात मैं गाइज बताना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, और आगे भी बताऊँगा मैं। सो गाइज, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी, और मैं आगे बताता हूँ आपको कि क्या क्या है। सो साइड में रखते हैं। और गाइज, इसमें एक खास चीज़ मेरे को मिली है, अगर आप अभी तो ये खाली हो चुका है, सो इसे साइड में रख देते हैं। तो फिर गाइज, ये क्या है? तो फिर गाइज, अगर किसी को मालूम है तो फिर प्लीज़ मुझे ये कीजिए, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये क्या है, बट जब भी मैंने इसे यूज़ किया, मतलब ये देखो, जब भी मुझे पहले बार इसे मिला, मेरे को लगा स्टैंड के लिए रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए है ये ऐसा, बट बाद में यहाँ पे मुझे कुछ लूज़ लगा ये। तो फिर मैंने इसे खोला, तो फिर इसमें से निकले पेन ड्राइव, बट गाइज ये ऑपरेट नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि ये क्या है, तो फिर उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे लाइट दी हुई है इस साइड में, तो फिर शायद से ये एक फ्लैश लाइट हो सकती है जब हम शूट करते हैं या व्लॉगिंग करते हैं, तो फिर चेहरे को ब्राइटनेस देने के लिए शायद से ये लाइट दी हुई है। और जो डोंगल आता है, मतलब डोंगली कह रहा हूँ, जो कॉर्ड आती है, जो मोबाइल के चार्जर सेक्शन से हम कनेक्ट कर सकते हैं इसको, तो फिर शायद से उसके लिए दिया होगा, आई एम नॉट श्योर, बट अच्छा है, थैंक यू सो मच। तो फिर अभी ये 3 हमें मिलते हैं, तो फिर अभी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। सो अब हम इसे रिमूव करते हैं। तो फिर गाइज, दिस इज़ अ लेटर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। सो यहाँ पे लिखा है थैंक यू फॉर परचेसिंग, और कुछ भी प्रॉब्लम हो इसमें तो फिर इसका कॉल करें। सो ये साइड में रखते हैं। सो अभी इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि आखिर में इसके बारे में बात करूँगा। सो गाइज, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी, रबरिश क्वालिटी है, ये फ्लेक्सिबल है, सो दैट विल बी अ गुड क्वालिटी। और ये भी ठीक ठाक है, मतलब अगर ये USB होता तो और खास बात है, बट कोई बात नहीं, इतना मिला तो भी बस। सो दिस इज़ अ LED लाइट गाइज, LED लाइट मतलब बहुत ही अच्छा फ्लैश आता है इसमें, सो अच्छी बात है ये। सो इसे साइड में रख देते हैं। और गाइज, उसके बाद हमें जो यूनिवर्सल मोबाइल अडेप्टर है उसके बारे में बात करते हैं हम। तो फिर गाइज, सबसे पहले ये प्लास्टिक है, मतलब हार्ड प्लास्टिक से ये बनाया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा मेटल टाइप है, और यहाँ पे रबरिश मटेरियल है, तो फिर आप याद देख सकते हैं ये थोड़ा सा है।
और गाइस यहाँ पे जब हम मोबाइल ये करते हैं तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस पड़ता है, तो फिर यहाँ के लिए स्पंज दिया गया है जिससे ये हो सके। आप देख सकते हो यहाँ पे, और नीचे प्लास्टिक है अच्छा खासा। और गाइस यहाँ पे एक स्क्रू है जो कि यहाँ पे इंसर्ट होता है यहाँ पे, और ऐसा बिल्ड क्वालिटी अच्छी गाइस, बिल्ड क्वालिटी है, नो एनी प्रॉब्लम, नो इशू। सो दिस टू आर रियली गुड, बट द मेन थिंग इज दिस। तो फिर गाइस ये मुझे कितने में पड़ा वो सब मैं आखिर में बताऊंगा, पर इससे पहले मैं आपको क्वालिटी के बारे में बात कर दूं। तो फिर गाइस ये जो वाइट कलर का आप देख रहे हो वो सारा रबर है, मतलब रबरिश क्वालिटी है, और बाकी के सारा शायद से मेटल या प्लास्टिक है या फिर हार्ड प्लास्टिक है। तो फिर गाइस यहाँ पे ऐसा दिया गया है अच्छा खासा, और मुझे गाइस ये पता नहीं चल पाया है अभी तक, मैं सुबह से इसे यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, मैं एक मिनट, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो घूम रहा है ये ऐसा ऐसा, ये किसके लिए है आई एम नॉट श्योर, और बाकी को कुछ नहीं। तो फिर गाइस यहाँ पे ये स्क्रू है, और गाइस ये कैमरा के लिए भी यूज़ है और मोबाइल के लिए भी। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक बटन है क्विक रिलीज, वो देखा ये क्विक रिलीज के लिए है ये बटन, जो कि आप ऐसे इंसर्ट कर सकते हो। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस मैन यार, लिटरली मतलब मैंने सुबह क्या किया था ये, मैंने एक मिनट, मैं सुबह से इसे यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसे इंसर्ट कर लेता हूँ, फिट कर लेता हूँ। तो फिर गाइस ये इजीली फिट हो जाता है इसमें, सो यस नाउ इट्स फिटेड, इट्स फाइनली गुड सेटअप। और गाइस सुबह क्या हुआ, मैं ऐसे सेटअप कर रहा था, मुझे लगा ये जो ऑपरेटर है ये वाला बटन ये सिर्फ कैमरा के लिए, बट इसके लिए भी है ये मुझे अभी पता चला। सो तो फिर गाइस क्वालिटी इज वेरी गुड कह देता हूँ, बिकॉज उतने प्राइस में शायद से ये बहुत बढ़िया मिला है गाइस। गाइस मैं पहले बता दूँ, ये जो प्राइस है वो बहुत ही अच्छे प्राइस में डील हुई है यार, सच में सॉरी मैसेज यूट्यूब नो कोऑपरेट सॉरी। तो फिर गाइज अभी मैंने ये क्यू लिया तो फिर मैंने अभी जो इमेज का व्लॉग डाला था, तो फिर उसके लिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा था हाथ पकड़ने में, जो कि आपको एक और वीडियो में पता चल जाएगा। तो फिर गाइज अभी हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो फिर गाइज ये एक नॉर्मल गोरिल्ला पॉड की तरह ही है, जो कि ऐसा स्टैंड होता है, तो फिर आप ये देख सकते हो, और अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो फिर यहाँ से बढ़ा सकते हैं, तो फिर यहाँ से ऐसा, तो फिर और ये हाइट में हो जाता है, और अगर व्लॉगिंग करना है तो फिर इसे क्लोज करो ये ऐसा, और ये ऐसा सेट, और फिर अभी व्लॉगिंग स्टार्ट, अपना ये ऐसा पकड़ो और व्लॉगिंग स्टार्ट करो। सॉरी गाइस यहाँ पे पॉलिथीन है साइड में, सो व्लॉगिंग स्टार्ट। गाइज आप फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी हार्ड, आप स्टार्टिंग में हार्ड तो होगा ही, देखते हैं कितने दिनों तक ये हार्ड रहेगा। अगर ये ज़्यादा दिनों तक हार्ड नहीं रहेगा तो सो, बट उतने प्राइस में इट डिजर्व्स इट, रियली डिजर्व्स इट। और ये क्विक रिलीज गाइज सच में मुझे बहुत पसंद आया, इट्स रियली अ गुड प्लान, थैंक यू सो मच। मैं आपको कंपनी बाद में बता दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका सारा। तो फिर गाइज अभी ये सारी चीज़ें जो मुझे मिली है, तो फिर गाइज इसका प्राइस कितना है गाइज, ये दोनों जो मुझे मिले हैं ये गाइज मुझे मिली है 350 rupees ऑन Amazon, डिलीवरी चार्जेस नहीं लिए, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो फिर गाइज मैं क्लियर बात कर दूँ कि फ्लैश कैसी यूज, आप फ्लैश इधर भी रख सकते हैं अपने हाथ को ऐसा पकड़ कर ऐसा, नहीं तो फिर यहाँ पे एक रबर बैंड लगा के कुछ भी कर दो यार, कैसा भी अपना क्या कहते हो उसे, भूल गया अभी, बाद में बता दूंगा। सो वेरी गुड क्वालिटी गाइज, अगर आप ले अफोर्ड कर सकते हो सो इसे ले लो, 350 rupees इज नॉट अ बिग डील, सो हाँ मेरे लिए बिग डील है। सो गाइज अभी मैं इसे इसमें फिट करता हूँ और देखते स्टेबिलिटी कैसी है। सो गाइज मैंने इसमें स्टेबिलिटी कर दी है, सो दिस इज हाउ इट्स लुक। फिर गाइज फाइनली, तो फिर अभी मेरा हैंड पेन नहीं हो रहा है मेनली, तो फिर ऐसा प्रॉब्लम था,
बिकॉज पहले मैं ऐसा पकड़ता था, अभी मेरा हैंड ऐसा लगता है कि मैं नीचे ही पकड़ के रखा हूँ. सो इट्स रियली वर्क्स, इट्स मीन इट्स रियली अ गुड. सो अभी मैं आपको जब जैसे हम स्टैंड करते हैं वैसे दिखाता हूँ गाइस. तो फिर ऐसा मैं रख के अभी मैं क्लियरली बोल सकता हूँ अभी, क्योंकि पहले सेट करना पड़ता था एक मिनट. वो अभी इतने मेरे मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर धीरे धीरे हो जाएगी. और अभी मैं क्विक रिलीज के बारे में बात करूँ तो फिर मैंने कैमरा पकड़ा बिकॉज क्विक रिलीज इज़ वेरी फास्ट. तो फिर यस नाउ इट्स ऑन इन माई हैंड. और जब ही मैं इसे वापस डालना चाहता हूँ बटन वापस प्रेस किया और अंदर कर दिया. सो दिस इज़ हाउ इट्स लुक. हाँ ये टेढ़ा है बिकॉज मैंने बेड पे ये रखा है. दिस इज़ माई ब्रदर. सो इट्स लिटरली अ गुड थिंग. सो अगर आपको बाय करना है सो ज़रूर इसे बाय करना. इट्स 350 rupees अमेजोन पे. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है गाइज. इट्स वेरी गुड क्वालिटी. सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना. लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इट, बिकॉज शायद से और कंटेंट आने वाले हैं अच्छे अच्छे. सो प्लीज़ लाइक इट. बाय गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो पे. बाय.